खबर है उत्तर प्रदेश के भराइच से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है और सरकार की ओर से अनलॉक कर दिया गया है। शादी के कारोबार में लगे लोगों के व्यवसाय ने भी तेजी पकड़ी है, लेकिन शादी का कारोबार उम्मीद से काफी कम हो रहा है। जून व जुलाई में होने वाली अधिकतर शादियां या तो कैंसिल हो गई अथवा लोग घरों में ही कम खर्चे में शादी निपटा रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंट, फूल, केटरिंग व मैरिज लॉन वालों का कारोबार प्रभावित दिखा है। आगामी शुभ मुहूर्तों में कारोबारी पहले की अपेक्षा लगभग 60% कम कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। आगामी शुभ मुहूर्तों में होने वाली शादियों के लिए लोग कपड़े व ज्वेलरी की दुकानों में नजर आ रहे हैं। सराफा यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी लग्ने बरसात की हैं। इन लग्नों में शादियां कम होती हैं। इन लग्नों में लगभग 10 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। अप्रैल मई की लग्नों के समय कोरोना कर्फ्यू के चलते लगभग 40 करोड़ का नुकसान सराफा व्यवसाय को हुआ। कपड़ा व्यवसायी ने बताया कि अनलॉक से व्यापार को गति मिली है। लोग शादियों के लिए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। शादी कारोबारियों के मुताबिक आगामी 10 शुभ मुहूर्तों में 1000 शादियां संपन्न होंगी। इसमें कैंसिल होने के कगार पर पहुंच चुकी 200 शादियां भी शामिल है। शहर में स्थित लगभग 100 रिजॉर्ट, मैरिज हॉल व लॉन 19 जून से 15 जुलाई के बीच केवल 40% ही बुक हुए हैं। अनलॉक के बाद भी जारी लोगों की लिमिट के चलते ज्यादातर लोग घर पर ही शादी करवा रहे हैं।